हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आर गार्डनिंग चैनल प्रमोद उद्यान तो फ्रेंड्स मैं जो आप सभी को विंटर फ्लावरिंग प्लांट के साथ मिला रहा था तो उसका कुछ पार्ट भी बच गया था क्योंकि मैं सभी प्लांट को एक साथ कवर नहीं कर पाया था हमारे गांव में तो बहुत ही तरह तरह जगह में तरह तरह के प्लांट ग्रो हो रहे तो इसीलिए इस लिस्ट में नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है फ्रेंच मैरीगोल्ड देखिए ये लास्ट ईयर की प्लांट बचा था और उसी का कटिंग ग्रो हो रहा है अभी भी यहाँ पर मैं इसका कटिंग ग्रो कर दिया था तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग अभी चल रहा है नेक्स्ट फ्रेंड्स मैरीगोल्ड के बाद यहाँ पे जो देसी वेराइटी की जो सिंगल पेटल के मैरीगोल्ड रहता है ये भी लास्ट ईयर के प्लांट है और इसमें अभी बर्डिंग हो चुका है फ्लावरिंग नहीं आया है इसका और एक प्लांट भी फ्लॉरिंग हुआ है देखिए इस प्रकार इस लाइन में इन सभी प्लांट को ग्रो कराया गया है फ्रेंच मैरीगोल्ड में इतना अच्छा फ्लावरिंग नहीं हो रहा है बहुत सारे तो बर्डिंग आ रहा है पर देखिए इस तरह से छोटे छोटे फूल आ रहे हैं इसका सेडिंग बहुत ही अच्छी तरह से नहीं आ रहा है ये है सिंगल पेटल के जो मैरीगोल्ड नेक्स्ट यहाँ पर कॉस्मस का प्लांट देखिए ये भी लास्ट ईयर जो गोविंद भाई से सीड परचेस करके मैंने ग्रो किया था और उसका रिजल्ट तो मैंने उसको सोचा था कि लेडी बार्ड होगा पर वो नहीं था ये बड़े वाले वेराइटी का प्लांट था और देखिए इसका कटिंग इस पर ग्रो किया गया और वो भी कितना बड़ा सा प्लांट बन चुका है अभी ये लगभग छः फुट के ऊपर बन चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग फिर भी चल रहा है बहुत सारे देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने सारे डेड हेडिंग हो चुके हैं मतलब यहाँ पे बहुत सारे फूल तोड़ लिया गया है क्योंकि पूजा के लिए यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे बर्ड भी बन रहे हैं इस प्रकार इसी प्रकार यहाँ पर भी ये सभी जितने भी मैरीगोल्ड के प्लांट यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं यहाँ पर कुछ कस्मस के प्लांट के मैंने कटिंग ग्रो किया था अभी इनमें भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ आ चुका है यहाँ से मेरे गार्डन के देखिए इन साइड देखिए इस तरह से इस ओर से और अभी जो विंटर सीजन में थोड़ा सा देसी ही बिस्कस में फ्लावरिंग कम हो जाता है फिर भी होता रहता है अभी देखिए इस तरह से और अभी बर्डिंग भी चल रहा है तो कुछ इस प्रकार का था ये भी पार्ट टू और इसका शेयरिंग आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे और कुछ नए अपडेट के साथ गार्डन के बारे में सो नेक्स्ट पार्ट होगा वेजिटेबल गार्डन के ओवर व्यू के बारे में सो so, तब तक के लिए जुड़े रहना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रमोद उद्यान